तो बहुत बेहतर है। मैंने चिकन पिज्ज़ा भी ट्राई किया है, वो भी अच्छा बेहतर है, और ये कोल्ड कॉफ़ी दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ट्राई करना चाहिए। वो एक स्पेशलिटी है जी, वो जो है एक कॉफी बीन्स जो है वो भी इटली से ही है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये इसके अंदर का जो ये भी इटली से आपने मंगाए हैं जी? जी। अच्छा, यहाँ पर बरेली में वो चीज आपको मिल जाएंगी इस कैफे में जो पूरे बरेली में नहीं मिलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली मिरर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली शहर में। एक खास प्रकार का कैफे है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कैफे नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक फेमस कैफे है जिसका नाम है कैफे वडीज एक्सप्रेसो। ये इसका मैं एड्रेस आपको बता देना चाहूंगा कि अपना ये जो बड़ा डाकखाना है बरेली में, बड़ा डाकखाने वाले रोड से जब आप आएंगे दैनिक जागरण प्रेस के मध्य ये स्थित है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत ही स्पेशल तरीके से कॉफी बनाई जाती है, वो कॉफी आपको पूरे शहर में कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मैं इसकी कैफे की बात करता हूं तो इसमें ये जो इसकी ब्रांचेस है इंडिया, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, गुड़गांव, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा और तेलंगाना और मध्य प्रदेश में है। यानी कि कह सकते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला कैफे जो बरेली में स्थित है जिसका नाम कैफे वडीज एक्सप्रेसो है। चलिए मैं ऑनर्स से मैं मुलाकात करवाऊंगा और जो उनकी पूरी टीम है मैं उन लोगों से मुलाकात करवाऊंगा कि उत्तर प्रदेश का पहले जो कैफे है उसमें क्या खासियत है, कैसे कैसे चीज, कौन कौन से आइटम या खाने पीने के बरेली की जनता के लिए यहाँ पे मिलते हैं। भाई साहब आपका स्वागत है। ये मुझे बताइएगा कि ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला आपके कैफे है कैफे वडीज एक्सप्रेसो, ये क्या चीज है, इसकी खासियत क्या है, ये बताइए। इंडिया का मोस्ट अवॉर्डेड कॉफी ब्रांड है ये और पूरे उत्तर प्रदेश में पहला हमारा ब्रांच है जी बरेली में। यहाँ पर ये कैफे की ब्रांच जितनी ब्रांचेस हैं ये सिर्फ कॉफी में स्पेशलिस्ट हैं जी, कॉफी में स्पेशलिटीज हैं इनकी जी, जी सबसे ज्यादा जी। यहाँ पर बरेली में वो चीज आपको मिल जाएंगी इस कैफे में जो पूरे बरेली में नहीं मिलेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी है, इनमें से एक आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, किस चीज के लिए जनता ज्यादा जो है प्रेरित होती है, ज्यादा आपकी लाइक करती है, आती है, खाती पीती है, कौन सा आइटम कॉफी में वो कौन सा आइटम है? अच्छे तो देखिए सारे एक ब्रांच के या फिर हमारी ब्रांच के सारे ही सब बढ़िया होते हैं। अगर मैं बात करूँ कोल्ड कॉफी की तो इसका क्या रुझान है बरेली की जनता के लिए? कोल्ड कॉफी देखिए बरेली की जो जनता है वो अगर कोल्ड कॉफी की तरफ, जैसे मैंने देखा है गर्मियों गर्मी आती है तो लोगों को पसंद होता है कोल्ड कॉफी पीना, गर्मी में अच्छा रहता है कोल्ड कॉफी पीना। तो बहुत सारे कैफेज है बरेली में, नाम लेना चाहूंगा मैं, लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं कि ऑथेंटिक टेस्ट क्या होता है कॉफी कोल्ड कॉफी का। जो आप अगर ट्राई करना आपको बिल्कुल हमारे कैफे में आइए, कोल्ड कॉफी बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट की आपको मिलेगी, सब चीजें आपको बढ़िया मिलेंगी यहाँ पर और कॉफी में तो है ही स्पेशलिस्ट। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी कॉफी जो है आपने बताया जो कोल्ड कॉफी मैं भी उसको टेस्ट करूंगा और मैं दिखाऊंगा जनता के लिए कि आपकी कॉफी का टेस्ट क्या है और आप कितने सही तरीके से कॉफी को बनाते हैं। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि ये जो आपने बताया कि इटालियन जी मार्का जो आप कॉफी मशीन लेके आए हो वहां से, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, मशीन कहाँ है बरेली के जनता के लिए दिखाइएगा, क्या उसकी विशेषता है, किस तरीके से उसमें क्या ये क्या है? ब्रांड है ये इटालियन ब्रांड है जी, जो है इटालियन है जी जी जी, इटली से। इसकी जो एक स्पेशलिटी है जी वो जो है ये कॉफी बीन्स जो है ये भी इटली से ही है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये इसके अंदर का जो ये भी इटली से आपने मंगाए हैं जी? जी। अच्छा जी, मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगा, इसलिए आप लोग जितने भी बरेली वालों निवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप एक बार विजिट करें, इसको देखें और समझे। इसके एक जो अपने अभी बात चल रही थी कोल्ड कॉफी की, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक हमारी यहाँ की खुद इसी ब्रांड की, इस ब्रांच की जो एक स्पेशलिटी है वो ये है बड़ी जोन कर बड़ी एक कोल्ड कॉफी है जो कि इसकी स्पेशलिटी है जी जी जी, इस कॉफी की। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये बड़ी ऑन ये भी मैं चेक करके देखता हूँ, बाकी तो आप देख सकते हैं, बाकी इसमें और कौन कौन से आइटम है बता सकते हैं? फूडी के स्टार्टर्स माचा है, जैसे कि एक आ गया आइस टी है, मुजीतो वगैरह, और ये हॉट चॉकलेट आ गई, कम्बुचा वगैरह आ गया, ये सब चीज एक चीज लेकर बर्गर सैंडविच काफी चीज पिज्जा वगैरह। ठीक जी भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बरेली की जनता के लिए और कौन कौन सी खासियत यहाँ पे है, मतलब किस किस प्रकार से आप जो भी आपके पास में खाने पीने की चीजें थोड़ा सा और विस्तार में बताइएगा। मैं बस सारी इटालियन कुजीन है जी, जो असली टेस्ट होता है इटालियन कुजीन का वो है। आप किसी और कैफे में जाते हैं या फिर घरों में भी बनता है आजकल, तो ये होता है कि उसमें एक होममेड अपना या फिर इंडियन उसमें टेस्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपको परफेक्ट इटालियन टेस्ट जो होगा, ऑथेंटिक इटालियन टेस्ट आपको वो मिलेगा। जैसे क्या क्या चीज, मतलब कॉफी के अलावा और बहुत सारी चीज, कुछ नाम थोड़ा सा बताइएगा। पिज्जा हमारे पास 10-12 से ज्यादा है किसी कैफे में, मतलब जो एक पर्टिकुलर पिज्जा के ब्रांड्स होते हैं
वो तो काफी देते हैं, लेकिन एक कैफे के हिसाब से हम पिज्जा की बहुत सारा वैरायटी देते हैं। अच्छा, पेपरोनी सलमी भी हमारे पास जो बरेली में कहीं नहीं मिलेगी आई गेस, हमारे कैफे में मिलेगी। और कॉफी का भी टेस्ट जो ऑथेंटिक यूरोपियन टेस्ट होता है कॉफी का प्रॉपर वही देते हैं, उसमें हम लोग कुछ अपना हेयर बदल नहीं करते हैं जो, क्योंकि हमारी बीन्स जो है वो भी इटालियन बीन्स हैं। अच्छा, ये कॉफी का जो मसाला या इसमें बीन्स या जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो कहाँ से आपको थोड़ा सा परचेज करते हैं ये थोड़ा सा बताइएगा। वहाँ डायरेक्ट इम्पोर्ट होता है वो। अच्छा, कहाँ से इम्पोर्ट होता है डायरेक्ट? ये इटली से पहले मावा जो मेन ब्रांच है इसकी वहाँ आता है, मेन हेड ऑफिस जो होता है एक उसका, मतलब कहने का मतलब है जो भी आप कॉफी दे रहे हैं इटालियन उसका, तो ये सारा सामान लगभग उसी देश से आता है। हाँ, इटालियन हमारा सब इटालियन सारा सामान है, सारी मशीन भी इटालियन है जैसे बताया था अभी। और बीन्स जो है कॉफी बीन्स जो होते हैं जैसे कॉफी बीन्स होते हैं कॉफी पाउडर होता है वो सब हमारा इटालियन है, इसलिए आपको हम ऑथेंटिक टेस्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई आपने कॉफी बीन्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दिखाइएगा जूम करके ये कॉफी बीन्स जो है कहाँ से आप आते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी सारी इटालियन इम्पोर्टेड होती है कॉफी बीन्स, तो ये पूरी अभी बस स्मेल करके देखो इसे। हाँ, बाकी प्योरिटी मतलब जो कॉफी का वो आता है पूरा सूंघने में ऐसा लग रहा है कि मतलब आधी कॉफी तो पी चुके हैं ऐसा लग रहा है। तो ये सारा सामान आप वहां से मंगाते हैं? हाँ जी, आप इस पे देखिए पूरा सब इटालियन इंपोर्टेड है कॉफी बीन्स जो है ये। यूं तो मैं आपको बता दूं कि इस कैफे में कई प्रकार की कॉफी है, लेकिन हम कोल्ड कॉफी का जिक्र करेंगे, यहाँ पे वडीज बन है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए कई प्रकार की कॉफी है, यहाँ पे वडीज बन है, चोको फ्रेम है, और भी तमाम यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे। लेकिन हमारे सामने ये जो है ये कोल्ड कॉफी है और मैं इसका टेस्ट लेके दिखूंगा, वाकई आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि इसका टेस्ट क्या है और ये किस तरीके से। और सामने हमारे भाई साहब बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये किस चीज से बनाई गई है जो कि इसके लोग खास पसंद कर रहे हैं बरेली शहर में, तो सिर्फ एक सेकंड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए मैं अब चेक करने जा रहा हूं, लीजिए भाई साहब आप भी आनंद लीजिए कोल्ड कॉफी का। वेरी गुड, इतनी स्वादिष्ट कॉफी कोल्ड कॉफी, मजा आ गया पी के। अब मैं भाई साहब से मुखातिब हूँ, पूछना चाहूंगा कि भाई साहब ये जो अपने वडीज वन जो कॉफी मुझे पिलाई है तमाम जनता देख रही है, तो इसमें इसे कौन कौन से इसमें फ्लेवर किस किस तरीके से आपने इसको तैयार किया, थोड़ा सा बताइए कॉफी के बारे में, वडीज वन के बारे में। वडीज वन कॉफी जो है ये कोल्ड कॉफी है जी, तो इसमें बहुत सारी चीजों का बहुत सारे इंग्रीडियंट्स पड़े हुए हैं। ये हमारे इस वाले ब्रांच की एक पर्सनलाइज कस्टमाइज कॉफी है ये जी। ये बडीज कैफे जितने भी हैं और वैसे ब्रांचेस, ये सिर्फ इस वाली ब्रांच में मिलेगा जी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो सज्जन बैठे हुए हैं, वो शायद बरेली से हैं, पता नहीं कहाँ से, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बड़ी कैफे है यहाँ पे इन्होंने कॉफी पी ली है, शायद कॉफी पी ली है, और मैं उनसे पूछूंगा कि इसका स्वाद कैसा है। चलिए क्या करना, रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पास में आइएगा जी। भाई साहब स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? काशिप भाई कहाँ से बिलोंग करते हो? बरेली से? बरेली के बाहर के? बरेली से। तो ये अभी आपने क्या आइटम लिया था, इस ग्लास में क्या पिया है आपने? कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, कैसा है इसका स्वाद है ये बताइए। इसी तो बहुत बेहतर है, मैंने चिकन पिज्जा भी ट्राई किया है, वो भी अच्छा बेहतर है, और ये कोल्ड कॉफी दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत अच्छा है। वेरी गुड, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ट्राई करना चाहिए। ओके, तो देखिए ये ऐसे लोग हैं जो अपनी बरेली से मोहब्बत करते हैं, अपनी बरेली को चाहते हैं, और ऐसे लोग जो है हमेशा ऐसी वैसी जगह जाते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी खाया है, आज इन्होंने कॉफी पी है, तो इस तरीके से इनकी कॉफी एक 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 नया आयाम पकड़ रही है बरेली के अंदर। तमाम जो लोग हैं कॉफी पीने आते हैं, स्पेशलाइजेशन ये कॉफी में ही डील करते हैं, तमाम अच्छी अच्छी कॉफी ये पिलाते हैं बरेली वासियों के लिए।